हेलो एंड वेलकम ऑल। तो जो हमारा आज का टॉपिक है उसका नाम है मनी। तो चलिए शुरू करते हैं। रुपीस इज़ द सिंबल ऑफ इंडियन करेंसी। तो इंडियन जो करेंसी होती है उसमें रुपी को ऐसे लिखा जाता है, जो कि हम सब लोग जानते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पर सबसे पहले कॉइन्स यानी कि सिक्कों के बारे में बात करेंगे। तो जैसे कि इस फिगर में हम देख सकते हैं, तो ये कितने रुपए का सिक्का है? ये 50 पैसे का सिक्का है। ठीक है, ये 50 पैसे का सिक्का है। उसके बाद आता है 1 रुपी कॉइन, ये 1 रुपए का सिक्का है। और इसको कैसे लिखा जाएगा? इसको लिखा जाएगा रुपी 1। ठीक है, उसके बाद आता है ये 2 रुपए का सिक्का। इसको देख के हम आसानी से पहचान सकते हैं कि ये 2 रुपए का सिक्का है। दिस इज़ 2 रुपी कॉइन। ठीक है, और इसको कैसे लिखेंगे? रुपी 2। उसके बाद आता है 5 रुपए का सिक्का, ये 5 रुपी कॉइन है। ठीक है, और इसको कैसे लिखेंगे? इसको लिखेंगे रुपी 5। उसके बाद आता है 10 रुपए का सिक्का। तो ये कितने का सिक्का? ये 10 रुपी कॉइन है। ठीक है, और इसको लिखा जाएगा रुपी 10। ठीक है, तो ये सारे सिक्के हैं क्या हैं? ये सब इंडियन करेंसी हैं। ठीक है, उसके बाद हम नोट्स के बारे में देखेंगे। अब यहाँ पर नोट्स आते हैं। तो सबसे छोटा नोट कौन सा होता है? सबसे जो छोटा नोट होता है वो 1 रुपए का होता है। दिस इज़ 1 रुपी नोट। ठीक है, और इसको हम लिखेंगे कैसे? इसको हम लिखेंगे रुपी 1। और ये क्या है? ये नोट है। और इससे पहले हमने क्या देखा था? हमने सिक्का देखा था, मतलब ये 1 रुपए का सिक्का है और ये 1 रुपए का नोट है। ठीक है, उसके बाद आता है 2 रुपए का नोट, 2 रुपी नोट। ठीक है, और इसको कैसे लिखेंगे? इसको लिखेंगे रुपी 2। ओके, उसके बाद आता है 5 रुपए का नोट। 5 रुपए का सिक्का भी होता है और 5 रुपए का नोट भी होता है। तो ये क्या है? ये 5 रुपी नोट है। और इसको कैसे लिखेंगे? इसको लिखेंगे रुपी 5। क्लियर। अब इसके बाद आता है 10 रुपए का नोट, ये क्या है? 10 रुपी नोट। और इसको कैसे लिखेंगे? इसको लिखेंगे रुपी 10। तो 10 रुपए का नोट भी होता है और 10 रुपए का सिक्का भी होता है, जैसा कि मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया है। उसके बाद आता है 20 रुपए का नोट, जो कि 10 रुपए के नोट से बड़ा होता है। ठीक है, तो इसको हम लिखेंगे 20 रुपी नोट या फिर रुपी 20। उसके बाद आता है 50 रुपए का नोट, ये 20 रुपए से भी बड़ा अमाउंट होता है। ठीक है, 50 रुपी नोट, और इसको हम लिखेंगे रुपी 50। क्लियर। अच्छा, अब इसके बाद आता है 100 रुपए का नोट, और हम इसको कैसे लिखेंगे? 100 रुपी, या फिर अगर हम कुछ इसको नंबर फॉर्म में लिखना होगा तो हम इसको लिखेंगे रुपी 100। उसके बाद आता है 200 रुपए का नोट, जिसको हम लिखेंगे 200 रुपीज़। ठीक है, और अगर इसको नंबर फॉर्म में लिखना होगा तो हम इसको लिखेंगे रुपी 200। फिर 200 रुपए से बड़ा कौन सा नोट होता है? 200 रुपए से बड़ा होता है 500 रुपए का नोट। तो ये 500 रुपीज़ का नोट है। इसको वर्ड फॉर्म में ऐसे लिखा जाएगा, और अगर नंबर फॉर्म में लिखना होगा तो हम इसको लिखेंगे रुपी 500। और उसके बाद जो सबसे बड़ा नोट है वो है 2000 रुपए का नोट। तो इसको हम कैसे लिखेंगे वर्ड फॉर्म में, शब्दों में इसको हम कैसे लिखेंगे? इसको हम लिखेंगे 2000 रुपीज़। और अगर इसको हमको नंबर में लिखना होगा तो हम लिखेंगे रुपी 2000। ठीक है, तो यहाँ पर मेरा ब्लॉग ख़त्म होता है, और इसका जो नेक्स्ट पार्ट है उसमें मैं आपको इससे रिलेटेड कुछ एक्सरसाइज बताऊंगी। तो मिलती हूँ जल्दी आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए टेक केयर एंड कीप प्रैक्टिसिंग।